इस वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं कि आप गूगल फोटो ऐप्स को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल ऐप, इस तरह का ऑप्शन आपके जो देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में गूगल फोटो ऐप्स को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके बाद आप जो यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम सारी जानकारी डिटेल्स में जानते हैं कि आप गूगल फोटो को लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में बताई है। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में गूगल फोटो डाउनलोड करने के लिए आपके लिए क्या करना है, अपने जो है लैपटॉप या फिर जो है कंप्यूटर में सबसे पहले आपके लिए जो है गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपके लिए जो है यहाँ पर ये ऐप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल, इमेज, ऐप्स, गूगल ऐप्स, यहाँ पर आपके लिए जो है ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए जो है यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है न्यू टैब को ओपन करता हूँ, ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम जो है ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो है कुछ तरह इस तरह से आपके लिए जो है ऐप्स देखने को मिलते हैं। अब आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर गूगल पर क्लिक कर देना है। आपके लिए जो है ये जो गूगल का जो इमेज दिख रहा है आपके लिए, ये आपके लिए जो है आपका जो डेस्कटॉप है उस पर आपके लिए जो है शो होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल होने के बाद, डाउनलोड होने के बाद, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे जो है लैपटॉप में यहाँ पर आपके लिए जो कहीं भी गूगल फोटो शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ इससे जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके जो है स्क्रीन पर आपके लिए जो है गूगल फोटो का जो लोगो है वो शो होने लगेगा और आप जो है बहुत ही आसानी से कभी भी जो है ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे मोबाइल में जो है गूगल फोटो का जो ऐप्स है वो जो है वेब में ओपन हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि यही जो गूगल फोटो का है ये हमारे जो है लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाए या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, जिससे कि हम जब भी चाहें तब हमें जो है ऑनलाइन जो है जैसे कि गूगल पर जाकर सर्च करना ना पड़े, सीधा ही हम जो है लैपटॉप में जैसे ही ऐप्स पर क्लिक करें तो ऐप्स हमारे जो है लैपटॉप में ओपन हो जाए। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर ये टैब देखते हैं, यहाँ पर मैंने ये टैब ओपन किया है। अब आपको जो है एक न्यू टैब ओपन कर कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये जो टैब है इसमें आपके लिए जो है यहाँ पर कुछ भी जो है देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप जो है गूगल फोटो को डाउनलोड कर सकें। लेकिन अगर आप जो है जो हमने ओपन किया है उस पर हम क्लिक करेंगे, गूगल फोटो जो हमने ऐप्स ओपन किया था, तो यहाँ पर आपके लिए जो एक ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पर, ये डाउनलोड का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल ऐप, तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करके आप जो है गूगल फोटो को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल के लिए आपके लिए जो है एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐप्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ गूगल फोटो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गूगल फोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये डाउनलोड वाला ऑप्शन ऐड हो जाता है। तो यहाँ डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपके लिए जो है मैं दिखा देता हूँ कि मेरे जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर आपके जो अभी गूगल फोटो का जो लोगो है वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम जो है डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल में हमारा जो लैपटॉप फिर कंप्यूटर है उसमें जो है गूगल फोटो इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे ऐप्स मैं जो है क्लोज कर देता हूँ, ये देख सकते हैं गूगल जो फोटो ऐप्स है वो हमारे जो है लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इस तरह से जो है इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिए जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम इसे ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर फोटो एक्सप्लोर, शेयरिंग, फेवरेट, एल्बम, आर्काइव, ट्रेस, तो ये ऑप्शन अब आपके लिए जो है यहाँ पर जैसे कि हम मोबाइल में यूज़ कर सकते करते हैं उसी तरह से हम जो है यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह इम्पोर्ट का, तो यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करके आप जो है कंप्यूटर में आपके जो भी फोटो हैं उन्हें आप जो है अपलोड कर सकते हैं गूगल फोटो में, जैसे कि ये फोटो दिख रहे हैं आपके लिए। और इसी तरह से अगर आपके लिए जो है आपका जो कंप्यूटर है, जैसे कि हम मोबाइल में ऑटोमेटिकली जो बैकअप ऑन करते हैं वो ऑप्शन अगर आपके लिए जो है ऑन करना है तो आपके लिए क्या करना है, बैकअप फ्रॉम डिवाइस योर कंप्यूटर, यहाँ पर क्लिक करके आपके लिए जो है
ड्राइव को डाउनलोड करना है। इसके बाद आप जो है ऑटोमेटिकली बैकअप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये प्रोसेस मैं आपके लिए जो आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो उस वीडियो का लिंक आपके लिए जो इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर है सेटिंग का ऑप्शन, जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो है बैकअप किस क्वालिटी में लेना चाहते हैं, जैसे कि ओरिजिनल या फिर जो डाटा सेव है वो, मतलब कम डाटा में आप बैकअप लेना चाहते हैं। यहाँ पर पार्टनर शेयरिंग, सजेशन, ग्रुप मेमोरी शेयरिंग, लोकेशन, प्रिंट और रेस्ट, तो ये सारी ये आपके लिए जो है सेटिंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके लिए मोबाइल में देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में गूगल फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ऑटोमेटिकली बैकअप ऑन करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्क्रीन शॉट लिया लैपटॉप में, या फिर आपने जो है कोई ब्लूटूथ से कोई फाइल आई उसे, या फिर आप कुछ भी किसी भी फोल्डर का जो है एक अगर ऑटोमेटिकली बैकअप लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक आप लीजिए इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस ये यहाँ पर बैकअप फ्रॉम योर कंप्यूटर, इस ऑप्शन में जो है ये प्रोसेस आपके लिए देखने को मिलेगी ऑटोमेटिकली बैकअप वाली। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो यहाँ कंप्यूटर पर क्लिक करके कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देखकर जो है ये सेटिंग कर सकते हैं।